हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारे इंडिया में। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम दिए थे, कोई पीसीएम ग्रुप से तो कोई पीसीबीएम ग्रुप से, तो ऑल ग्रुप जितने भी हैं सभी का रिजल्ट शो कर रहा है। जो जो काउंसलिंग के लिए अपना काउंसलिंग किए थे उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आपको कैसे चेक करना है, हम चलिए देखते हैं लोग स्टेप बाई स्टेप। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे मैं गूगल क्रोम में जाकर BCECE का लिंक खोला, ओपन किया है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको जिस प्रकार काउंसलिंग किए थे उसी आपको उसी को ओपन करना है। तो काउंसलिंग वाले आप देख रहे हैं कि दो नंबर पर यहाँ दिया हुआ है, बिहार ऑनलाइन काउंसलिंग BCECE PCM PCB PCMB सारे ग्रुप का दिया हुआ है। तो आपको इसी को ओपन करना है। जैसे आप ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का जगह था वहाँ पे आपको व्यू रिजल्ट दिखा शो कर रहा है। तो आपको उसको ओपन कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस एग्ज़ाम बोर्ड काउंसलिंग 2019-20। आपको यहाँ नीचे आना है। अब नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखा गया है डाउनलोड फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर फॉर BCECE 2019। सबसे पहले CBA MBA और MCPCA ग्रुप का है। उसके बाद दूसरा राउंड जो है, दो नंबर जो है सॉरी, वो आपका PCM PCB और PCM ग्रुप का है। तो आप जिस ग्रुप से उसको ओपन कीजिएगा। जैसे कि मैं PCMB ग्रुप का ओपन करता हूँ दो नंबर, और जैसे ही आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिंग आएगा। तो आपको सेलेक्ट स्ट्रीम पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अपना जो आप डाले थे काउंसलिंग के टाइम, जैसे कि BCECE ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग या BCECE एग्रीकल्चर, वैसे ही आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं BCECE ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग ओपन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो दो नंबर आपको देखना मिलेगा वहाँ पे आपको एक आईडी मिला होगा जब आप काउंसलिंग किए होंगे तो, या आप रोल नंबर कोई आप इसको डाल सकते हैं। उसके नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड है। तो आपको उस टाइम आप जब काउंसलिंग किया होगा तो उस टाइम भी आपको पासवर्ड मिला होगा, तो उस पासवर्ड को डालना है। फिर आपको नीचे इंटर सिक्योरिटी कोड होगा, वहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा। तो फ्रेंड, आपको यहाँ इंटर सिक्योरिटी कोड, अभी नेट सही नहीं चल रहा है इसके वजह से यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको कोड आ जाएगा, और यहाँ पे अपना इंटर सिक्योरिटी कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद साइनिंग करिएगा। साइनिंग करने के बाद आपका फाइल खुल जाएगा और वहाँ से आपका रिजल्ट अगर होगा तो आप रिजल्ट शो करने पर दिया हुआ ऑप्शन वहाँ पे अपना शो कीजिएगा। अगर आपका होगा तो आपका रिजल्ट दिखाएगा, नहीं तो आपको सॉरी बोलकर बोलेगा कि रिजल्ट आपका नहीं हुआ है। तो आप फिर से चूज कर सकते हैं कॉलेज भी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि उनको भी जानकारी मिले, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।